हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि आरसीसीबी का रेटेड करंट और सेंसिटिविटी करंट क्या होता है। दोस्तों, आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? आरसीसीबी का फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी का काम होता है लीकेज करंट को सेंस करना और सर्किट को सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो आरसीसीबी में दो टाइप की रेटिंग होती है, पहला होता है रेटेड करंट, दूसरा होता है सेंसिटिविटी करंट। यहाँ पर जो हमारा 16 एम्पियर है वो रेटेड करंट है एंड जो 30 मिली एम्पियर है वो हमारा सेंसिटिविटी करंट है। तो रेटेड करंट मतलब क्या होता है? उस आरसीसीबी को हम लोग उतने करंट रेटिंग तक यूज करेंगे। अगर मान लो सर्किट में से 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और हम लोग ये 16 एम्पियर वाली को लगा दिया तो क्या होगा? यह जो हमारी आरसीसीबी यह ट्रिप नहीं मारेगी बल्कि यह धीरे धीरे खराब होकर पिघल जाएगा, क्योंकि आरसीसीबी का रेटेड करंट कितना था? 16 एम्पियर। आरसीसीबी के जो अंदर के पार्ट होंगे वो 16 एम्पियर को सहने के लिए डिजाइन किया होंगे। मतलब 16 एम्पियर की जो आरसीसीबी होगी वो 16 एम्पियर की करंट झेल लेगी, उससे ऊपर करंट को नहीं झेल पाएगी। दोस्तों, जैसा कि या 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी है, अगर सर्किट में से 30 मिली एम्पियर से ज्यादा का लीकेज करंट फ्लो होगा तो यह आरसीसीबी ट्रिप्स हो जाएगी। दोस्तों, मान लो अगर फेज वायर में से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हमारी न्यूट्रल में से भी रिटर्न कितना आता है? 10 एम्पियर ही आता है। अगर कहीं पर लीकेज करंट फ्लो हो रहा होगा तो न्यूट्रल में से सेम फेज जितना करंट वापस नहीं आएगा। तो अगर फेज के करंट और न्यूट्रल के करंट में से 30 मिली एम्पियर के का डिफरेंस होगा, मतलब अंतर होगा, तो हमारी जो आरसीसीबी है वो ट्रिप्स हो जाएगी।